हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है ऑरम मेटेलिकम। तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ गोल्ड, और जो ये फैमिली से बिलोंग करता है दैट इज़ द एलिमेंट। तो ये जो गोल्ड है इसी से ही होम्योपैथी मेडिसिन बनाया गया है ऑरम मेटेलिकम। तो चलिए अब हम डायरेक्टली चलते हैं इसके स्फीयर ऑफ एक्शन पे, मतलब कि ये मेडिसिन कौन कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्फीयर ऑफ एक्शन। तो ऑरम मेटेलिकम का स्फीयर ऑफ एक्शन है, माउथ पे काम करता है, हेड पे काम करता है, आईज में काम करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करता है, एंड लास्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है। अब हम इनके डिजीज सिम्टम पे चलते हैं। तो डिजीज सिम्टम में पहले अगर इनका हेड के बारे में बात करेंगे तो हेयर फॉल में बहुत अच्छा काम करता है। वैसे तो हेयर फॉल बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, लेकिन अगर जैसे अगर हमें ऑरम मेटेलिकम के पर्टिकुलर जैसे मेंटल सिम्टम जो मैं आगे बताने वाली हूँ तो हमें अगर टोटलिटी मिलता है तो उसमें हम हेयर फॉल के केस में दे सकते हैं, प्रॉपर केस स्टडी उसके लिए करना पड़ेगा। तो ये था हेड के बारे में। देन अगर हम आईज के बारे में बात करेंगे तो इनको हेमियोपिया रहता है। हेमियोपिया का मतलब है कि इनको जो है पेशेंट जो रहते हैं उनको लोअर हाफ दिखेंगे और अपर हाफ नहीं दिखते, तो इसलिए हेमियोपिया इसका टर्म है। तो ये आईज के हो गए। देन माउथ में अगर चलेंगे तो जैसे कि प्यूबर्टी एज के जो गर्ल्स होते हैं उनके जो ब्रीथ रहता है वो बहुत फाउल स्मेलिंग, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होता है, तो ऐसा सिम्टम दिखने को मिलता है ज़्यादातर मीन्स प्यूबर्टी गर्ल्स में दिखता है ये। देन अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलेंगे तो इनका इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा विथ बहुत ज़्यादा इनको सैडनेस, डिप्रेशंस ये सारे रहते हैं, एंड एन्जाइटी भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। देन हम और भी अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो हाइपरट्रॉफी ऑफ यूट्रस में भी काम करता है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये थे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देन अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे चलेंगे तो इनमें वायलेंट पैल्पिटेशंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा एन्जाइटी रहता है। देन इनके जो कैरोटिड और टेम्पोरल आर्टरीज रहते हैं उनके जो बीट्स रहते हैं, बीटिंग रहते हैं वो विजिबल रहते हैं इनमें बहुत ज़्यादा, तो ऐसा रहता है। देन का जो पल्स है वो बहुत स्मॉल, फीबल एंड इरेगुलर रहते हैं, एंड इवन इनका ऐसा भी रहता है कि फैटी डिजेनरेशन ऑफ हार्ट ये भी होता है। तो ये था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो ये ओवरऑल मैंने डिजीज सिम्टम के बारे में बता दिया है, एंड नेक्स्ट हम चलते हैं इसके मोडेलिटीज पे। तो मोडेलिटीज़ में एग्रावेशन होता है और एक एमिलोरेशन होता है। तो एग्रावेशन इनको किन किन चीज़ों से बढ़ जाते हैं इनके सिम्टम, वो है कि इनको विंटर के टाइम पे या कोल्ड वेदर के टाइम पे या फिर जैसे नाइट के टाइम में हो गया, या ज़्यादा मेंटली एग्जर्शन इनको हो गया है, बहुत ज़्यादा कुछ एन्जाइटी हो गया है तो इनको जो है, या फिर ये थोड़ा बहुत अगर सो भी रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं तो भी इनको एग्रावेशन होते हैं। और अगर हम एमिलोरेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब कि इनको किस किस चीज़ों से इनको जो सिम्टम है इनका वो किस में थोड़ा इनको रिलीफ लगता है, तो वो एमिलोरेशन है। तो एमिलोरेशन इनको समर के टाइम पे, हॉट वेदर के टाइम पे हो गया या मॉर्निंग के टाइम पे स्पेशली, तो इनको थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा रिलीफ लगता है इनका जो भी ओवरऑल सिम्टम्स होते हैं। तो ये हो गए इनके एमिलोरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इनके मेंटल सिम्टम पे चलते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑरम मेटेलिकम का। तो हम सभी ने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें
बहुत हैवी मेटल्स में से ये एक ऑरो मेटेलिकम आते हैं। तो इसीलिए क्या है ना कि इनका जो पर्सनालिटी, इनका जो नेचर होता है ऑरो मेटेलिकम का, तो ये बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, बहुत इंडस्ट्रियस होते हैं। अपना कोई भी मतलब ऐसा काम पे वो लोग चैलेंज ले लेते हैं जो काम उनके लिए मतलब इम्पॉसिबल होता है या फिर बियॉन्ड हिज कैपेसिटी का काम होगा, तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और एकदम दिन रात इनका उस गोल्स को अचीव करने के लिए ये बहुत हार्डवर्क करते हैं। ये ऑलमोस्ट अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये कोशिश करने में कि इनको अपना, इनको गोल्स जो है उसको अचीव करना है। तो इनका जो वैल्यू सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ नेचर रहता है, बहुत ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ रहते हैं ये। लाइक ये बहुत प्रिंसिपल्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर मान लीजिए इनका गोल्स अगर इनसे कंप्लीट नहीं हो पाया, अचीव नहीं हो पाया, तब इनके अंदर जो है एन्जाइटी, एक मतलब जो एक फेलियर के लिए जो एक फियर रहता है वो चीज़ इनके अंदर आ जाते हैं। कहीं उनका पोजीशन गिर ना जाए, कहीं उनका इनका जो नेम एंड फेम है वो ना गिर जाए, बहुत कुछ। लाइक जैसे उनका कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए, गिल्टी फील करना, एक बहुत ज़्यादा एन्जाइटी, फियर, ये सब चीज़ में रहते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें ना हो इसीलिए वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं अपना गोल्स को अचीव करने के लिए, या फिर जो भी चीजें वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने वो अगर उठाते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि ये चीज करना है, तो वो उस चीज में एकदम अड़ जाते हैं करने में, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी मतलब कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे ये। बहुत रिलीजियस होते हैं और रिलीजियस रिलेटेड म्यूजिक भी इनको सुनना बहुत पसंद है। और इनका अगर आप ड्रेसिंग सेंस भी देखेंगे ना, तो थोड़े कंजर्वेटिव, ओल्ड काइंड, ओल्ड फैशन थोड़े रहते हैं इनका। तो इनके जो मोरल सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है इनके लाइफ में, ये बहुत ना स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ है। एंड इनके अगर आप वैसे अपीयरेंस देखेंगे ना, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन एकदम इनका अपीयरेंस जो है वो रहेगा। ये बहुत ही कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा रहता है, परफेक्ट रहेंगे ये हर चीज़ में, परफेक्शनिस्ट जो बोलते हैं ऐसा रहता है इनका। ऑनेस्ट भी बहुत ज़्यादा है रहते हैं ये हर चीज़ में, पंक्चुअल बहुत ज़्यादा है, बहुत डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ इनका जो लाइफ स्टाइल है वो वैसा रहता है। एंड इतना इतने अच्छे तरीके से इनका लाइफ जो है, अपना जो लाइफ स्टाइल को वो रूल करते हैं, तो उनका हर एक चीज़ बहुत सीक्वेंस में रहता है। लाइक मान के चलिए जैसे कि इनका अगर कोई हिस्ट्री, इनके अगर पास्ट हिस्ट्री में अगर कुछ इनको कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह इनका कुछ हुआ होगा, तो प्रेजेंट सिचुएशन में जब वो कोई डॉक्टर के पास जाते हैं उनका पास्ट कोई जैसे रिपोर्ट्स लेकर के या हेल्थ चेकअप्स के बारे में जो भी इनके रिपोर्ट्स इनके पास रहते हैं, तो वो सारे चीज़ें एकदम सीक्वेंस में रहेंगे। एंड कोई भी चीज़, ये एक भी अगर मेडिसिन के कोई भी सिंगल सिंगल डोज को भी ये मिस नहीं करेंगे, एकदम पंक्चुअल रहते हैं अपने हर एक चीज़ में कि मेडिसिन भी अगर ले रहे हैं तो एक भी डोज मिस नहीं करना है, और बिल्कुल भी टाइम इधर उधर नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। और इवन ये अगर जैसे किसी से बात भी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बात कर रहे हैं या फिर बहुत कम भी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बैलेंस्ड काइंड ऑफ नेचर इनका रहता है, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं ये। कभी भी लाइक इनका अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक, तब तक वो काम करते रहते हैं, वहां से वो बिल्कुल भी नहीं हटेंगे जब तक उस दिन का उनका जो भी मतलब उनका जो भी कमिटमेंट्स रहते हैं उसको कंप्लीट करना रहता है, तो उसको वो पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे फिर जाके वो रेस्ट लेंगे, वरना वो रेस्ट नहीं लेंगे। इवन उनके वर्क प्लेस पे भी जैसे उनके कलीग जो भी रहते हैं उनके साथ, तो ये उनके साथ भी बहुत ही अच्छा इनका बिहेवियर रहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उनके साथ उनका बिहेवियर्स रहते हैं।
एंड बाय हुक और क्रूक इनका काम इनको जैसे तैसे करके इनको कंप्लीट करना ही है। और एकदम अगर कोई चीज़ उन्होंने ऑरम मेटलिकम अगर वो पर्सन जो है वो अगर कुछ भी जैसे कोई वर्ड अगर दे दिए वंस की हाँ कुछ बोल दिए तो वो उनको करना ही है, वो वहाँ से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। ये टाइम के बहुत पर्टिकुलर होते हैं और इनको बिल्कुल भी वेट करना पसंद नहीं है। अगर ये 12 बजे का टाइम दे रखे हैं तो उनको वो काम जैसे भी करके 12 बजे ही होना है, तो ऐसा रहता है इनका पर्सनालिटी। एंड इवन अगर किसी ने अगर इनको वेट करवा भी दिया, जैसे थोड़ा लेट भी हो गया कोई चीज़ में, तो ये वो सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से सुना देते हैं कि आपने तो लेट कर लिया, और ये बहुत गुस्सा कर जाते हैं उस टाइम पे क्योंकि ये टाइम को लेके बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं। एंड जैसे सामने वालों से अगर इनका अटैचमेंट्स भी होते हैं ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होते हैं इनका। वंस अगर लाइक अगर वंस इनको अटैचमेंट हो गया तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और अगर बाय चांस गलती से सामने वालों ने कोई भी अगर इनको कोई धोखाधड़ी अगर हो गया है, तो फिर ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन सैडनेस बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं ये। तो इसीलिए क्या है कि वैसे तो ये अटैचमेंट्स बहुत कम रखते हैं, लेकिन अगर होता है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स हो जाते हैं। ऑरम मेटलिकम पर्सन जो होते हैं ना, मोस्टली आपको ऐसे मिलेंगे पेशेंट की लाइक वो ना घर के एल्डेस्ट होते हैं, लाइक भाई बहनों में से ये सबसे बड़े होते हैं। तो एक वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सोसाइटी को लेके चलना, वो सारे चीज़ें इनके अंदर होता है। कहीं कोई सोसाइटी इनको कुछ बोल मत दे या फिर कोई ब्लेम ना कर दे, इनका नेम एंड फेम एक बड़े होने के नाते एक लूज ना कर जाए, तो ये सारे चीज़ें जो है ये सब चीज़ों में ना इनको बहुत ही ज़्यादा वो कॉन्शियस रहते हैं। एंड ये ऐसा है, इनका पर्सनालिटी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक है। मीन्स इनको अपना अपने फैमिली को लेके अपना सोसाइटी को लेके हर एक चीज़ में ये बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसको अच्छे से निभाते भी हैं। जैसे कि अपने फैमिली के अंदर भी लाइक उनके जो बच्चे होंगे तो उनके बच्चों को पढ़ा लिखा के पाल पोस के बड़ा करना, देन उनको फिर फ्यूचर में उनको शादी करवाना, हर एक चीज़ जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं अपने फैमिली के अंदर वो सारे कमिटमेंट सारे चीज़ें वो पूरा करते हैं। एंड इवन ऐसा भी रहता है इनके माइंड में कि ये सारे चीज़ें जब कंप्लीट हो जाए तो ये फिर एक रिलीजियस एक पाथ में ये जाने लगते हैं। इनको ऐसा मन रहता है कि उसके बाद हम सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे बाहर। तो ऐसा इनका अंदर एक जो एक अर्ज होता है वो चीज़ वो फुलफिल करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। वैसे अगर ऑरम मेटेलिकम पर्सन को देखा जाए फिजिकली, वो ना एक उनका उनके अंदर एक टेंडेंसी होता है टू डेवलप अ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स डिजीजेस। जैसे ऐसे छोटा मोटा चीज़ उनको होते नहीं है, और मतलब होने से भी इनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इश्यूज रहते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस मोस्टली इनको रहता है। तो ये थे हमारे पूरे ऑरम मेटेलिकम के बारे में फ्रेंड्स। तो इनके जो मेंटल सिम्टम्स थे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जब केस टेकिंग के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी होता है। ये सारे चीज़ें ये सारे पॉइंट्स हमें ऑरम मेटेलिकम के बहुत क्लियर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑरम मेटेलिकम के बारे में, तो आज के लिए इतना ही है। तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो पे एक नया टॉपिक लेकर के। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।